Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. Baji, अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ा सा फर्क होता है. इतना सा. अंधविश्वास होता है झूठ. हाँ. और विश्वास होता है सच. जैसे आदमी को लगता है कि शादी के बाद भी शेर रहेगा. हाँ. ये उसका अंधविश्वास है. और बीवी शेरनी होगी, आप मानो ना मानो वो मनवाई लेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है. अच्छा, अजीब अजीब से अंधविश्वास होते हैं बाजी. इतने सालों से चले आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में घुस गए हैं. जैसे आदमी करोड़ों रुपया लगा के एक बंगला तैयार करता है, क्या बात, बाहर एक टूटा सा जूता लटका देगा. अच्छा, लटकाता भी वो एक है, उसको पता है जोड़ी लटकाएंगे कोई पहन के निकल जाएगा. इतना अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में. अच्छा, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो आदमी रास्ता क्रॉस नहीं करता, ये बिल्ली है रास्ता ही काटेगी, और क्या, केक काट के जाएगी वो, बताओ. अच्छा, एक ये भी अंधविश्वास है, कहते दूध पी के रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूतनी पीछे पड़ जाती है. हाँ. अच्छा, आदमी करे तो करे क्या, दूध पी के बाहर निकले तो भूतनी पीछे पड़ जाए, दारू पी के घर आए तो बीवी पीछे पड़ जाए. अच्छा, कई लोग बोलते हैं तोते का जूठा खिलाओ ना बच्चे को, बच्चा साफ बोलने लगता है. चक्कर में ना कई लोग तोते की मिर्ची छीन लेते हैं, गाजर छीन लेते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं, इस चक्कर में तोता भूखा रह जाता है. फिर जब तोता पिंजरे से बाहर आता ना, वो उसी बच्चे के चोंच मारता है जो बच्चा कहता नहीं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आ रहा उसका. अच्छा, फिल्मों में बड़ा अंधविश्वास होता है कि अगर दिया बुझ गया तो समझो बीमार बाबूजी गए. इस चक्कर में लोग अपने दिए को घी पिलाते रहते हैं, भाई इतना घी बाप को पिलाया होता तो 4 साल और निकाल जाता. कई लोगों का ये मानना है कि सुबह का सपना सच होता है. इस चक्कर में कई लोग सुबह जानबूझ के दीपिका पादुकोण का सपना देखते हैं. मजा तब आता है जब बीवी मुंह से रजाई खींचती ना, तेरा बेड़ा गर्क क्या कर रहा है, ये पैर के अंगूठे से सारी रजाई फाड़ दी, क्या कर रहा था. लेकिन एक बात बता जी, जब कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण का सपना देते तो कौन खींचता है रजाई. अच्छा, मेरा स्पेशल केस है, जब उसका सपना देखता मेरी रजाई भी वही खींचती. अच्छा, कुछ लोग जब ट्रेन पुल के ऊपर से निकलती ना, तो बड़ा अंधविश्वास होता है कि ऐसे नदी में सिक्का फेंको, मन्नत पूरी होती है. हाँ. कुछ लोगों के पास सिक्का नहीं होता, दूसरे से मांग दे भाई सिक्का देना. अच्छा, जिन्होंने नहीं देना होता ना, बाबा अपना ही सिक्का फेंको तो मुराद पूरी होती भाई साहब. हमारे दास दादा ना, इनके पास सिक्का नहीं था, खुद ही कूद गए. मैंने कहा दादा इतना अंधविश्वास करता है, अंधविश्वास कहेगा मेरे पास टिकट नहीं थी, टीटी आ गया था. अच्छा, अंधविश्वास में कौन कौन बिलीव करता है जी सर? आप माइक पे विश्वास करते हैं तो माइक. मैं विश्वास नहीं करता हूँ. अच्छा, क्योंकि कोई भी पैदा होता है तो उसमें अंधविश्वास वगैरह कुछ नहीं होता है. पहले बच्चे में माँ अंधविश्वास डाल देते है, बेटा तू ये कर वो कर, पेपर हो रहा है दही खा के जा जी. फिर समाज डाल देता है, धीरे 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 वो अंधविश्वासी हो जाता है एक्चुअली. हाँ. और जैसे जैसे कभी भी आप ये देखना कि जिसके पास कुछ नहीं होगा या अपनी मेहनत का होगा वो कभी अंधविश्वास नहीं करेगा एक्चुअली. प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, अंगूठियां हाथों में बढ़ती जाएंगी जी, बाबाओं के दर्शन करने लगेगा जी, और जो बाबा लात मारेगा उसके और ज्यादा दर्शन करेगा. ये चीजें होती हैं. सही बात है, सच्चाई से दूर चला जाएगा. कैसे सही बात है? मेरे हाथ में अंगूठियां, मैं बाबाओं के पास जाता हूँ. ना 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 ना, सिद्धू साहब ने अंगूठे में नहीं पहन रखे अंगूठी जी. ऐसे ऐसे भी हैं. निकल लिया आप पतली गली से. नहीं, पर अच्छी बात है कि आप अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते. बहुत बहुत शुक्रिया सर. करना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना जी. बिल्कुल सही बात है सर. आपने मेहनत करी है तो आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है. नहीं, मैं दही खा के निकला था. बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए. थैंक यू. और कोई मेरे दोस्त विशेष विचार विमर्श करना चाहते हो जी? सब भाई साहब. हाय कपिल. हाय. हाय सिद्धू सर. हाय. मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली. मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ तो सिद्धू. अच्छा? सर आपके स्पेशली बहुत बड़ा फैन हूँ मैं. अच्छा. हाँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था करियर तब आप बिल्कुल एंड में थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत फॉलो करता हूँ. मतलब करियर ही एंड में थे सर. सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही बहुत बताया गया था कि अंधविश्वास होते हैं. मैं इंदौर से हूँ. अच्छा. तो वहाँ पे टोटके काइंड ऑफ थिंग्स बहुत होते हैं कि इंडिया जीते इसके लिए ये टोटका करो वो टोटका करो. लास्ट ईयर इंडिया का थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा था और मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी भी थोड़ा सा मीडास टच के बाहर दिख रहा था. अच्छा. तो मैंने सोचा ये सही टाइम है अगर मुझे कोई टोटका ट्राई करना है. तो मैंने सुना कि धोनी बहुत दूध पीता है, कुछ 4 लीटर कुछ मैंने सुना था ऐसा उसके बारे में. अच्छा. तो मैंने भी एक दिन सोच लिया कि नेक्स्ट डे इंडिया का मैच है तो आज से मैं भी दूध पीना स्टार्ट कर देता हूँ. खाना वाना कुछ नहीं खाया. रात को सोने से पहले 2 ग्लास दूध, सुबह उठ के 2 ग्लास दूध, नाश्ते में 2 ग्लास दूध, खाने में 2 ग्लास दूध. इसके दोस्त ने इसके पिन मारा, दूध निकला अंदर. एक्चुअली पाजी बहुत बार होता है, जैसे अगर सचिन सर 99 पे खेल रहे ना, तो अगर किसी को बाथरूम में उठ के नहीं जाते वो. नहीं नहीं, उठ के जाए तो अब शकुन हो जाएगा, चाहे क्लीन बोल्ड हो जाए वो. तो मतलब आप मानते हैं अंधविश्वास को? नहीं, ट्राई किया था फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि इंडिया हार गई सर. पर अच्छी बात है आप अगर ऐसा मानते हैं कि अंधविश्वास को नहीं माना चाहिए, ऐसे होता भी नहीं है.
शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. पाजी आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हाँ, दोनों ही बड़े ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भी उनके फैन हैं. बिल्कुल. मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड कृति सनन का. वेलकम 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 कृति, जोरदार तालियां हो जाए एक बार कृति और सुशांत सिंह राजपूत के लिए. सांसें बेकरार, आंखों में सपने छोड़ जाता है सुशांत, लड़कियों के दिल में प्यार की मटकी फोड़ जाता है. हाय हाय हाय, क्या बात है. ऐसा दीवाना बनाया है कृति के इस कमाल के रूप ने, उसको देख के फ्यूज बल्ब में भी करंट दौड़ जाता है. वेलकम वेलकम. एक ही तीर से दो निशाने. और पहले आप अलग अलग ही बोल देते, आजकल एक ही शेर में निपटा देते हैं. ऐसा नहीं. सुशांत, कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत. आइए यहाँ पे, विराजमान हो जाइए. राब्ता का मैंने ट्रेलर देखा पाजी, क्या जबरदस्त केमिस्ट्री लग रही इनकी. लगता ही नहीं कि पहली फिल्म साथ में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी जन्मों से जानते हैं. काफी एक दूसरे के साथ प्यार किया आपने, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. पिछले जन्म में भी किया, नए जन्म में फिर. वाओ, दो जन्मों की स्टोरी तो है ही. एक्चुअली ये दो जन्मों की स्टोरी है. हाँ, मतलब स्टोरी दो जन्मों की नहीं है, बट रीइनकार्नेशन का जो बैकड्रॉप है वो है. ओके. तो हम थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि प्यार जो है वो एक जन्म के लिए जरूरी नहीं है, पहले जन्म से भी हो सकता है. लड़की अच्छी हो तो दो तीन जन्म तक जा सकते. आपको पता पाजी, सुशांत और कृति दोनों ही बेसिकली इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. हैं? और आप ट्रेलर देखना, उसमें अंडर वाटर जाके एक दूसरे को सांस वगैरह दे रहे हैं. एग्जैक्टली, सांस ही दे रहे हैं. तो ये मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते ये डॉक्टरी वाले गुण कहां से सीख गए आप? आई मीन, डू यू बिलीव कि जो अंडर वाटर किस होता है, ये हाइजीनिक होता है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, कर ये रही थी. मैं तो बेहोश था. मैंने देखा ट्रेलर में साफ तौर पे, आप कोई बेहोश नहीं थे, आपकी आंखें खुली हुई थी. काफी वाइड तरीके से खुली हुई थी. आप दोनों बहुत ही बड़े ही प्यारे लग रहे हैं एक्चुअली. हाँ. और बड़ा मजा आया देख के. देखना पाजी, मजा आएगा आपको भी. ठीक है, ठीक है. पाजी, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए. हाँ. सुशांत को फिल्म में तलवारबाजी करनी थी. हाँ. तो तलवारबाजी सीखने के लिए ये बैंकॉक गए थे. Am I right? हाँ, जी बिल्कुल. तलवारबाजी सीखने गए थे. हाँ, तलवारबाजी सीखने गए. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तलवारबाजी एक महीना रह के आया था ना. तीन. हाँ, तो नहीं कुछ नहीं. एक तलवार नहीं, दो तलवार चलाने थे. और अच्छा. उसके पहले मैं बल्ला चला रहा था पिछली फिल्म में. पर क्या बल्ला चलाया यार तुमने? हेलीकॉप्टर तो क्या चलाया यार. गुड. देखो, किसी आइकॉन जिसका पहले ही इतना बड़ा नाम हो, उसके नाम में वृद्धि करनी, ये एक्टर का सबसे बड़ा कमाल. थैंक यू सर. ये सबसे बड़ा. गॉड ब्लेस यू. आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी इनसे नाराज है. क्यों? वो कहते हैं मेरा नाम टाइप करो, फोटो सुशांत की आती है. फिल्म शुरू होने से पहले ना, हमारी हीरोइंस जो होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, बड़ा डाइट कंट्रोल करने लगती हैं, जीरो फिगर पूरा मेंटेन करती हैं. तो आप तो ऑलरेडी काफी स्लिम ट्रिम है, ऐसा इनके प्रोडक्शन वालों का कहना है. कहते फिल्म का बजट पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनकी मिठाइयों का बिल ज्यादा आ गया एक्चुअली. ये गलत है. सही बात है. ये खाता था डिजर्ट हम दोनों में से. आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतनी आइसक्रीम नहीं खाई होगी जितनी मैंने बुदापेस्ट में खाई है ठंड में, क्योंकि ये इंसान आइसक्रीम पे आइसक्रीम ऑर्डर करता था. मैं बहुत मेहनत करता हूँ वो आइसक्रीम खाने के लिए. अच्छा. तो ढाई घंटे में मेहनत करता हूँ जिम में ताकि मैं आइसक्रीम खा पाऊँ. ये जिम नहीं जाती. अच्छा. और ये खाती है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता. ये बस दो दिन बाद एक इंच और लंबी हो जाती है. एक्चुअली आप लोगों को खाना इस तरफ लगता है, आपको इस तरफ लगता है. सुशांत के बारे में किसी ने प्रोडक्शन में से बताया, इनके यूनिट में से, कि चलो शूटिंग पे वैसे तो जो भी टाइम कॉल टाइम होता आते ही है, पर जिस दिन दीपिका पादुकोण का गाना शूट था ना, उस दिन कॉल टाइम से पहले पहुंच गई है. उस दिन कॉल टाइम था ही नहीं. आपका काम ही नहीं था. काम ही नहीं था. तो क्या उधर क्या मतलब भैया, उधर क्या जो तेरे लिए क्या वही उसके लिए क्या. नहीं, उस दिन आपका अलार्म जल्दी बज गया था. क्यों? तो फिर क्या करने गए थे आप? अरे वो होटल पास में ही था. बहुत दूर था.
पास में ही था, बहुत दूर था। टहलते हुए बस आ गया बस ऐसे। कोई काम नहीं था उस दिन? नहीं, नहीं। काम तो था मतलब, लेकिन पर्सनल काम था। अच्छा कृति, आपको फिल्म में जब सपना आता है तो आप पिछले जन्म में चली जाती हैं? नहीं, ऐसा है कुछ? अजीब से सपने आते हैं, पिछले जन्म का भी कुछ, इस जन्म का भी कुछ, तो वो मिक्स होकर मुझे सपने समझ नहीं आते कि वो है क्या। कभी कभी एक्चुअली बड़े अजीब से सपने आते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा भाजी, कभी कभी सपने में आपके पीछे डाकू भागे ना, आपसे भागा नहीं जाता। आप भागते रहो भागते रहो, उधर ही रहता आदमी। कभी कभी देखना सोते सोते भी आदमी ना ऐसे ऐसे करता है आपके साथ, कभी पता नहीं ऐसा लगता है गिरने वाले एकदम। हाँ सुशांत, आपको भी आते हैं ऐसे सपने? मुझे पता नहीं क्यों हमेशा दो तीन बार ही याद रहता है कुछ एक साल में, लेकिन हर बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होता हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं एकदम डर से उठ जाता हूँ। ऐसे क्यों? मैंने बहुत मेहनत करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। तो मैंने सुना आप थर्ड ईयर तक आते आते आपने सडनली डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। थर्ड ईयर तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर ली थी। इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगा कि मतलब सिर्फ लड़कों का कॉलेज था? एग्जैक्टली वही, हम सर हम इतनी मेहनत करके ऑल इंडिया क्लियर करके एक बड़े अच्छे से कॉलेज में जाते हैं और हमें शुरू से बोला जाता है कि पढ़ो और अच्छी नौकरी और अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ। तो नौकरी तो सेट हो गई थी लेकिन कॉलेज में लड़की ही नहीं। अच्छा, तो फिर किसी ने बोला कि यार डांस स्कूल ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएंगे। तो क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। पाजी, आपको रेखा जी के सपने आते कि बंद हो गए अभी? नहीं, ऐसे बीच में आपने एक बार बोला था। अच्छा सॉरी, इट्स ओके। अगर तुझे दीपिका के सपने आते तो फिर मुझे आते हैं। मतलब आपको आते हैं? आते हैं। अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले कि अगले जन्म में किस रूप में आप आना चाहें, आपके पास फुल लिबर्टी हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? कोई है हमारे दोस्त जो? जी मैम, मुझे शाहरुख खान की माँ बनना है। माँ क्यों बनना है, गर्लफ्रेंड बनो ना। नहीं, माँ बनना। मैं हांगकांग से हूँ कपिल जी। तो उधर माँ ही बनते हैं। मतलब, अच्छा मुझे समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं शाहरुख खान की वाइफ बनूंगी। हा? आपने ऐसा क्यों सोचा मैम? बट सो स्वीट ऑफ यू। हक कर सकती हूँ। हक कर सकते हैं माँ जैसे। नहीं, वो तो आपका प्यार है, आपकी ममता है उनके लिए। पर एनीवेज, तो हांगकांग में क्या करते हैं आप? मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। बड़ा ठहराव है और बड़ा मजेदार आवाज है आपकी। Thank हर you. बात में शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू। तो शाहरुख भाई, सुन रहे हैं आप ये, आपकी मम्मी बनना चाहती हैं, आपको भी अच्छा ही लगा होगा सुन के। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं पिजन बनूंगी, कबूतर। कबूतर बनेंगी आप? हाँ। क्यों? पर कबूतर कैसे बनेंगी, आप तो कबूतरी बनेंगी। अच्छा, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा अगले जन्म में, क्योंकि आपने इसी जन्म में सब कुछ बन गए आप। मेरा जवाब अभी। पॉलिटिशियन आप बन गए, क्रिकेटर आप बन गए, कमेंटेटर आप बन गए, टीवी आपने कर लिया, कुछ बचा आप आज अगले जन्म में कर देंगे? मुझे अगर कोई 100 बार पूछे जी कि तू अगले जन्म पिछले जन्म क्या बनना चाहेगा, मैं 100 बार बोलूंगा नवजोत सिंह सिद्धू। क्या बात है, खत्म। जी कबूतर। जी मैम, तो आप कबूतर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि वो शांति का प्रतीक रहता है वो, और वो कहीं भी आ जा सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकते हो। खाली इसी वजह से कि कबूतर कहीं भी आ जा सकता है? नहीं, वो शांति का प्रतीक है ना सर। अच्छा, मतलब चिट्ठी देनी हो लेनी हो, पहले के जमाने में सब ऐसे ही करते थे। तो आप डाकिया बन जाती। कबूतर बहुत स्वीट होते हैं बेचारे, और एकदम प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, सबसे बड़ी बात। वो तो तोता भी वेजिटेरियन नहीं होता है। तोते को आपने चिकन खाते देखा कभी? नहीं सर। तो फिर ये, पर आपको वैसे कबूतर अच्छा लगता होगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर, अक्षय कुमार जी। क्या अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? हाँ जी। ऐसे क्यों सर? क्योंकि अपनी फिल्म में रियली स्टंट करते हैं, तो मैं शुरू से लाइक करता हूँ उनको। तो आप इस जन्म में करना शुरू कर दो ना। सिर्फ वो स्टंट करते हैं इसलिए आपको अच्छे लगते हैं? जी सर। नहीं मेरे भाई, मतलब जैसे वो स्टंट करते हैं तो खाली अच्छा लगता है आपको स्टंट करना, इसलिए बनना चाहते हैं अक्षय कुमार? जी सर। और उसके अलावा? और उसके अलावा एक्टिंग भी अच्छी करते हैं वो। ये नई बात बताई आपने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं
आप अभी क्या करते हैं, इस जन्म में क्या करते हैं आप? सर मैं सिटी केबल चलाता हूँ। अच्छा, हम भी चलाते हैं अपने शो में कभी कभी। अरे एक बात बताओ, सिटी केबल वाले जो होते हैं, जैसे कभी कभी होता था मेरे अमृतसर में, हम लोग जब टीवी देखते थे तो रात 10 बजे अगर शोले फिल्म आ रही है, सडनली रात को 12 बजे शोले जितनी चल गई चल गई, उसके बाद सडनली आप मैं सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कहाँ पे चलाते हैं आप सिटी केबल? दिल्ली में सर। चलता है पूरा अच्छे से चलता है? हाँ जी सर। वैसे दिल्ली में 11 बजे ही शोले चेंज हो जाता है, मैंने देखा। क्या नाम है आपका? सुभाष चौहान। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में? जी सर, कर्नाटक से, गुलबर्गा से आया। गुलबर्गा से? अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अगर आपको अगला जन्म लेने की अनुमति दे दे गवर्नमेंट, मतलब कुदरत, तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ग्रैंडफादर बनूंगा सर। मेरे वो इस जन्म में बनेंगे, भरोसा रखें आप। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोसेस में चले। अभी आप फादर वाले एज में हैं, ग्रैंडफादर ही बनेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि इस जन्म में ग्रैंडफादर नहीं बनेंगे? मींस मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सेम ग्रैंडफादर के माफिक दिखते हो। अच्छा जी। तो मैंने उनको देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ग्रैंडफादर बनना है करके। पापा बन गए आप? नहीं सर, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं सर। तो प्रोसेस शुरू करो ना आप। ये तो वही बात हो गई कि जाना भी दिल्ली है, जाना भी ट्रेन से, रेलवे स्टेशन पे भी नहीं जाना। ऐसे कैसे मांगता है? मुझे मेरे ग्रैंडफादर के जैसा दिखना है। अच्छा, वैसे दिखना है? हाँ, वैसा मुझे बनना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का गेहूं खेत में, बेटा पेट में, तू ब्याह की तैयारी करे जा रहा है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले? हेलो कपिल सर जी, सिद्धू सर जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अशोक अवस्थी, दिल्ली से। अच्छा जी, आपने जो बताया कि एड्रेस, अगर आपको मौका मिले कि अगले जन्म में आप अपनी मर्जी से कुछ बन सकते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे आप अवस्थी साहब? पहली बात तो मैं, हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, परमात्मा जो बनाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं मानव बन जाऊं। और दूसरी बात, अगर मानव के अंदर मानवता नहीं तो बेकार है। इन्हीं को वोट दें, इनकी जीत आपके इलाके की जीत है, आपकी अपनी जीत है। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अस्सी साहब आप करते क्या हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं शिक्षक हूँ। अच्छा जी। जी हाँ। हिंदी टीचर हैं आप? मैं संस्कृत टीचर हूँ। अच्छा, संस्कृत का अध्यापक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसकी मृत्यु होनी है जिस समय, उसी समय ही होनी है, क्योंकि हमारे एक, हमारे बाबा जी जी, उनकी डेथ हो गई, तो 2 घंटे बाद उनकी अर्थी लगाने लगे, तो अच्छा। उस समय क्या हुआ, उन्होंने आंखें खोल दी और उठ बैठे, और अब बाबा जी बियर पी के सो रहे हो। उन्होंने बताया, ऐसे तो मैं बहुत बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ पिछले 1 साल से। सॉरी सॉरी। बाद में उन्होंने बताया, मैंने पूछा, तो जब उठे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्वार्टर और मंगाओ? सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली यमराज की यहाँ भी सारा वही खाता होता है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। अच्छा जी। किसको बुलाया जा रहा, सबको बुलाया जा रहा, आइए। फिर जब हमारे दादा का नंबर आया कि क्या नाम है, उनका नाम श्री गेंदालाल जी था। अच्छा जी। कि इसको बुला लाए, इसको कहाँ से ले आए, इसका अभी नंबर नहीं है, भेजो इसको। जो ही धक्का दिया, यहाँ उनकी आँख खुल गई और उठ गए। कहने का मतलब, परमात्मा के द्वार में सब निर्णय है। मतलब गलती से मर गए थे वो उस टाइम। गलती से पहुंच जाते तो परमात्मा भेज देता। 5700 वोट से जीतेगा तू। पर आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में मेरी मैसेज भी आई हुई है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ये घर पे भी इतने सीरियस हैं कि कभी रोमांटिक भी होते हैं? क्यों नहीं, समाज में, दुनिया में आए तो रोमांटिक भी होंगे ना। अक्सर आदमी दुनिया के सामने कम, ऐसे अकेले कमरे में ज्यादा रोमांटिक। पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सुशांत, कृति, हमारे मोहल्ले में ना कुछ लोग हैं, उनको जब पता चलता ना ऐसे कोई फिल्म के आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने आप को बना के आ जाते हैं, उनकी बातों में मत आना आप, ठीक है? अच्छा। कोई भी आ सकता है एक्चुअली।
अपनी मोबाइल और अपना पर्स संभाल के रखिए, क्योंकि आ रही है हमारी राजकुमारी सरलावती। धूप में खड़ी बैग पर बिठा देंगे, फिर जिंदगी भर बैठने के लिए तरस से रह जाओगे। चलो पीछे हटो। अच्छा आप सबकी जितनी श्रद्धा हो, जो आप देना चाहें राम से, हम सब मिलके इसका इलाज कराएंगे। है तो हमारी अपनी, ये हमारे कबीले की गुप्त भाषा है। सैनिक मम्मी राजकुमार तुम हमारे साथ चलो। ए राजकुमार तुम्हारे साथ क्यों जाएं? तो पहले तो ठेले से टमाटर उठाती थी, अभी आदमी उठाने शुरू कर दिए। और तुम लोग निकलो, चलो नहीं तो सारी रात बाले बैठाऊंगा, कैसे लेके बैठे। चलो हटो। देखो तुम्हें पता नहीं लेकिन पिछले जन्म में ये मेरे बॉयफ्रेंड थे। कौन? ये धोखा देकर भाग गए, वो भी इस छोरी की वजह से। शुक्र उन्होंने धोखा दिया, मैं आता मैं धक्का दे दूंगा। तुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाता, उन्होंने गर्लफ्रेंड कहां से बना लिया? झूठ बोल रही है। ये पिछले जन्म की बात है, तुम नहीं समझोगे कप्पू। झूठ बोल रही है, पिछले जन्म में तो तू लड़का थी। नहीं, मैं दरभंगा की राजकुमारी थी और ये देवनगर के राजकुमार। अचानक मिले, आंखों से आंखें मिली और फिर इन्होंने कहा, अपना इलाज कब कराओगे ऐसे? नहीं, इन्होंने कहा कि तुम कितनी सुंदर हो। और फिर तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा, चल उठ के बर्तन मांजने का, बर्तन सोती रहेगी। यही हुआ था ना? सरला तुम कुछ भी बोलती हो आगे। नहीं, ये सपना नहीं सच्चाई है। मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, इनकी हंसी निकल गई। हसीन लड़कियों को देख के हंसी नहीं निकलती, आह निकलती है, तुम्हें क्या पता। एक मिनट, हेलो बलदेव, पर तुम लोग इसके साथ पत्ते खेलते हो, चलो ठीक है। इसको सुबह सुबह पिलाया मत करो, इधर आके तमाशे करती है फिर ये। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। राजकुमार, आपने इनके लिए मुझे छोड़ दिया, इनके लिए इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 1990 में सिद्धू बारी सेंचुरी मारने वाले थे। हाँ। यही बातें सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे को खेलना ही नहीं, मैं जा। मेरा पे सीप लगा गया। यही बातें सुन सुन के उन्होंने बैट छोड़ दिया था बीच में। कप्पू, तुम दरभंगा की राजकुमारी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, हम तुम्हें नेस्तो नबूद कर देंगे। नेस्तो नबूद? तुम नाश्ते में दूध पिया कर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। बड़े बड़े वर्ड बोलती ना, उसी के नीचे आएगी किस दिन। साफ साफ बता कितने पैसे चाहिए तुम्हें। पैसे नहीं चाहिए, इन्होंने हमारे प्यार को चुराया, अब इन पे मुकदमा चलेगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए। कोई महल नहीं इनका महल, चलिए। ये बाहर फ्रेम ही है, पीछे इन्होंने पूरा वो टेंट लगाया हुआ है। उस दिन आंधी आई ना टेंट टूट के पेड़ पे, तो उस दिन कहती हम तो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं आज। सरला, हमारी मोहब्बत के सामने हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ऐसे। अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है पिछले जन्म में तुम्हारा बॉयफ्रेंड थे? है सबूत, ये सबूत। ये इसने एडिट करके बनाई पक्का। परसों ना एक बंदर चिप्स खा रहा था, उसके साथ इसने फोटो बना के दिखाई, कहती सी वी आर फ्रेंड्स नाउ गिव मी योर चिप्स। सरला ये तू जानबूझ के, मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, जब मैं चुपके चुपके इनसे मिलती थी। चुपके चुपके मिलती नहीं थी, मिलके चुप चुप के चोरी कर लेती थी। तुम सब पता है हमको, पागल बनाती है हमको। तुम कबूत चुप रहो। राजकुमार याद करो, मछली की आंख में तीर मार के तुमने मुझे जीता था। अगर इसकी आंख में तीर मार के मछली जीती होती ना, तो हाई प्रोटीन मिलता तुम्हें, साथ में चावल खाते। सरला, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं राजकुमार कि तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया था, मोहब्बत नहीं? रियली? का क्लोजअप देखो तो मूंगफली लग रही हो अभी, पता है? मोहब्बत होती है हसीन लड़की, ऊपर से इंजीनियर, ऊपर से हीरोइन। देखो तुम ना कम बोला करो, तुम जानते नहीं हो मैं तलवारबाजी में एक्सपर्ट हूँ, और यकीन नहीं होता तो मैं नमूना दिखाऊं? देख ही रहे हो नमूना। दिखाओ नमूना, फिर दिखाओ तलवारबाजी, दिखाओ। देखो कप्पू, तुम एक वीरांगना का मजाक उड़ा रहे हो। ये हाथ देखो, आग में तप के बने हैं। हाँ तो हलवाई के तंदूर में से रोटियां निकाल के भागेगी तो हाथ तो तपेंगे। अच्छा सरला एक बार बता, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ। क्या? इधर से जाने का क्या मांगता है, कितना लेगी? युद्ध, जो जीतेगा राजकुमार उसका। निकाल तलवार। ओ भाई तैयार हो जाओ,
राजकुमारी अब सलाद काटेंगी। लिसन, वो लग रहा था बहुत लंबा। अच्छा, ये जो तलवार है ना, इसके कद से मैच कर रही है। मैंने सोचा लंबी निकालेगी, उतनी ही निकाली है। कवर इतना लंबा है। ये सरला, ये वाला युद्ध नहीं होगा, इतनी बड़ी तलवार उनके पास नहीं है। और दूसरा मुकाबला कर लो, वो जो पैर में गुब्बारा बांध के करते हैं। कर लो, गुब्बारा लेके आओ जरा। ओके, तो आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और अपने अपने गुब्बारे बचाने भी हैं। इट्स अप टू यू नाउ। युद्ध शुरू किया जाए। I'm proud of you. Actually, मतलब रीच की वजह से धोखा गई। तेरी टांगें छोटी छोटी सी थी, वो लंबी जाके टांग टांग कर गई। हील भी तो था। आ जा मेरे बच्चे, चलो आओ, चले आओ। फ्लैट हील है। आ जा, चले आ जा, बड़ी मेहनत की। आ जा इधर, आ जाओ। It was fun. ऐसे कैसे? मतलब मैं सिंगल हूँ इस जन्म में। देखो, अभी राजकुमार को कुछ याद नहीं आ रहा। अमावस्या की रात होगी ना जब, उस वक्त आना हाथ में मोमबत्ती लेके, तब उनको याद आएगा। ठीक है, चलो शाबाश। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। चांद को बोलना 10 बजे तक आ जाए। म्युनिसिपैलिटी का पानी 10 बजे तक आ जाएगा जो। अच्छा ठीक है, जाओ और सोच के आओ कल क्या बन के आना है। आपकी फिल्म का नाम है राब्ता। हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। राब्ता मीन्स कनेक्शन, कोई रिश्ता। तो आपको बताना है कि इन दो चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है। बेसिकली ये बॉलीवुड से ही है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको ये देख के बताना है ये कौन सी फिल्म में इस्तेमाल हुआ और कौन सा गाना है, और वो गाना गा के बताना। जी, पीके पीके पीके। गाना याद है इसका कोई? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, पीके बताता हूँ क्या। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। मोहब्बतें, राज आर्यन। शाहरुख के काफी बड़े फैन हो ना आप। बहुत बड़ा, उसी झट से पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। दीदी तेरा देवर दीवाना। हम आपके कौन? नेक्स्ट। अच्छा कृति, एक बात बताओ, आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मम्मी प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, शहर में सारे बादाम अखरोट आप ही खाते थे। इतनी इंटेलिजेंट फैमिली है आप, मतलब फिल्मों में कैसे आने का सोचा आपने? मैं इंजीनियरिंग करते करते मॉडलिंग कर रही थी। अच्छा, तब टीवी कमर्शियल्स कर रही थी। तो टीवी कमर्शियल्स करते करते मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है करने में। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई आ गई। क्या बात है, और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। अच्छा सुशांत, एक बात बताइए, आपने जब डांस क्लासेस ज्वाइन की तब आपने सोचा था कि आप फिल्मों में लीड में आएंगे? आप पहले क्या मेन लीड में डांस करते थे? आप क्या करते थे? मैं बैकग्राउंड डांसर था। अच्छा, जो हीरो हीरोइन के पीछे किसे नाचते हैं? तो 2005 और 2006 में जो ये अवार्ड्स होते हैं जी, आईफा फिल्म फेयर, तो उसमें मैंने सारे हीरोज के पीछे डांस किया। कॉमनवेल्थ में भी आपने डांस किया था ना? जी जी, उसमें हम लोग को ऑस्ट्रेलिया जाना था और मुझे ऐश्वर्या राय के साथ डांस करना था। अच्छा, तो ये मेरी कॉलेज में सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लिख के भी लगाया होगा, हमारे यहाँ के विद्यार्थी ने ऐश्वर्या राय के साथ डांस किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कॉलेज का सबसे फेमस हो गया था जस्ट इस बात से कि मैं, मुझे उनको उठाना है। अच्छा, और ऐसे लिफ्ट करते, ऐसे लिफ्ट करके वो 2-3 बीट में ज्यादा ऊपर, मतलब मैंने रख लिया। अच्छा, तो वो बीट मिस हो गया था थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मतलब शिवा से लुकिंग है, उतार क्यों नहीं रहा मुझे। तो आप वेट कर रहे थे कि अभिषेक बच्चन आके उतारे। अरे आपको पता है सुशांत की जो बड़ी सिस्टर है वो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल चुकी हैं। हैं? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कभी कहा नहीं सिस्टर ने कि यार मैं तो बचपन में खिड़कियां तो मैं तोड़ती रही पड़ोसियों की और क्रिकेटर तुम बन गए, कभी ऐसा हुआ नहीं उनके साथ? वो बड़ा एम्बैरेस फील करती थी मुझसे, क्योंकि मैं स्कूल टीम में भी कभी सेलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन सर मैंने पहली फिल्म में जो कायपोचे में डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर था और 2 साल में मैं इंडियन टीम का कैप्टन बन गया, तो बड़ी क्या बात। अच्छा, जब आप MS धोनी जो फिल्म है जब आप कर रहे थे उनकी बायोपिक, तो उनकी टेक्निक्स तो आपने उनसे सीखी, तो लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं ये भी उनसे सीखा कि इनबिल्ट ही आप में? नहीं, वो तो प्रैक्टिस पहले से कर रहा था। काफी मेहनत की आपने, बहुत मेहनती एक्टर हैं ये। yeah!
Hey, namaste, namaste, Kriti ji. What a job. MS Dhoni ji, thank you very much. अरे यार आपका क्रिकेट देखते हैं यार, ओहो छक्के पे छक्का मारते हैं यार. लेकिन यार अगर आप यहाँ पर हैं तो वहाँ पर मैच कौन खेल रहा है? सुशांत सिंह राजपूत को तो नहीं भेज दिया वहाँ पे मैच के लिए? अच्छा, ये सुशांत सिंह राजपूत है, ध्यान से देखो. माय हेलो पहुंची सर, माय हेलो पहुंची. नहीं यार देखिए, फिल्म में इतना अच्छा काम कर दिए ना, आपका ऐसा डिफरेंस करने में मुश्किल हो जाता है कि धोनी कौन है, राजपूत जी कौन है. वेरी गुड. लेकिन आपको एक सीक्रेट बात बताएं, वो लोग ना आपके साथ थोड़ा धोखा किया है. कैसे? आपका पिक्चर देखिए, वो वर्ल्ड कप पे एंड कर दिए ना, खत्म कर दिए. अभी तक खेलते हैं वो. खेल रहे हैं अभी भी, चल रहा है. एक और बनेगी फिर से? हाँ, फिर तो पार्ट टू बनता है यार. बच्चा ये क्या बन के घूम रहा है तू? अरे यार वो क्या है ना कि आज सुबह हमने सपना देखा. अबे सपने तो रात को देखते हैं. नहीं नहीं, रात को बहुत अंधेरा रहता है यार, अनक्लियर सा हो जाता है, हमको दिखता नहीं. हमने आज सुबह सपना देखा कि हम ना पिछले जन्म में एक राजा है और हमारी एक रानी है, तो इसलिए अब हम इस जन्म में अपनी उस रानी को लेने आए हैं. लेकिन यहाँ तेरी रानी कौन है? ये स्टेज पे तो देखे ना, लड़कियों की भीड़ भाड़ लगी पड़ी है यार. ये बात भी है यार, जाहिर सी बात है कि यार यहाँ पर एक लेडीज है, वही है हमारी रानी कृति सन. बच्चा तेरी रानी कहाँ से हो गई? वो कितनी खूबसूरत है देखो, और तू कैसा जंगली लग रहा है. देखिए हर ब्यूटी के लिए एक बीस्ट होता है. Not bad. और जंगली किसे कह रहे हैं आप? हमारे सर पे क्या मोगली उछल रहा है क्या? What is जंगली यार, हम जंगल के राजा हैं. जंगल का राजा तो शेर होता है. अरे शेर तो सिद्धू जी के पास होता है. सिद्धू जी के पास तो कुर्सी है. कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से. लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से. ये लीजिए, बात को घुमा फिरा के जंगल पे हम ले ही आए. आई एम जंगल का राजा एंड आज हम अपने रानी को लेने आए हैं. अबे एक बात बता, अगर तू राजा, तेरी के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? अरे यार हम बताते ना, वो क्या हुआ पिछले जन्म में, हम अपने मामा के साथ इनके रियासत में एक मूर्ख बन के, ऐसे एकदम बेवकूफ से बन के रहने लग गए थे. फिर धीरे धीरे प्यार हो गया, हम दोनों की शादी हो गई, फिर ये हमारी रियासत में आ गई. फिर हमारी रियासत के एक आदमी ने इनको छेड़ दिया, उन्होंने उस आदमी की उंगलियां काट दी. हमने कहा कि अगर औरत के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसकी उंगलियां नहीं कटेंगी, कटेगा उसका गला. और खचाक हमने उसका गला काट दिया. और उसके बाद कटप्पा ने तुझे मार दिया. यही बात है ना? अरे यार आप हमारे पिछले जन्म में हमारे साथ थे क्या? पिछले जन्म में नहीं, मैं पिछली सीट में बैठा जा, तू तो बाहुबली देख रहा था. अरे माँ हेलो पहुंची, हेलो पहुंची यार. ये जरा ये बात लगता है हम आपको गलती से पिछले के पिछले जन्म का स्टोरी बता दिया. नहीं यार वो नहीं है, हम पिछले जन्म में राजा थे. यार इतने सारे जन्म लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा. हैपेंस. बच्चा तू कितने भी जन्म ले ले, निकालेगा तू दूध ही हर जन्म में. हम पिछले जन्म में दूध निकालते थे लेकिन भैंसिया का नहीं, डायनासोर का. अबे डायनासोर दूध कहाँ देता है, झूठ बोला. यही सेम बात डायनासोर ने कही कि हम दूध कहाँ देते हैं. हमने कहा दूध नहीं देते हैं तो गेट आउट. लगता है बात दिल पे ले लिया यार, दुनिया से ही चला गया. लेकिन सही में आप प्लीज, आप ही हमारी रानी है. देखिये हमें आपसे बहुत एपेटेशन है. क्या क्या है? एपेटेशन. क्या बोल रहा है? अरे वो जो सास को बहू से होता है यार. जलन. नहीं 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 यार, वो जो अपना वो किसी से रखते हैं दुश्मनी. अरे नहीं यार, वो जो आपसे हमें बिल्कुल नहीं है प्यार. नहीं यार, वो जो फिरंगी फिल्म से आपको बहुत ज्यादा है उम्मीद. उम्मीद उम्मीद एपेटेशन वही यार. बच्चा क्या फालतू बातें होगी तो चल निकल यहां से. देखिए मिस्टर सेल्फी. ये आप बीच बीच में ऐसे हमारी बातों में विघ्न डालेंगे ना तो हम शायद आपका वध भी कर दे. तू ज्यादा बोलेगा ना तू वीर गति को प्राप्त होएगा. अभी हम वीर गति को नहीं, हम कृति को प्राप्त होंगे. कॉन्फिडेंस देखिए लड़के का यार. कॉन्फिडेंस जॉक्स. लीजिए आप शायद सही कह रहे हैं. हो सकता है कि आप हमें पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमने अभी तक आपको जॉक सुनाया नहीं है. ऐसा होता है क्या है कि एक हमारा जॉक्स का पिटारा लेकर हम घूमते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा कॉमेडी फैलता है, पूरा पूरा माहौल में कॉमेडी फैलता है. तो लीजिए कोई बात नहीं, जॉक सुनाते हैं. बहुत फनी वाला है.
थोड़ा पली है, थोड़ा पली है। ये अब एक रॉयल जॉक सुनाते हैं आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रॉयल्टी ना, तो रॉयल जॉक लीजिए। एक हाथी है स्विमिंग पूल में गिर जाता है, अब वो बाहर कैसे आएगा? कैसे कैसे आएगा? कैसे? गीला होके। बहुत फनी वाला बोल दिया हमने। ऐसा लग रहा है तू ही गीला होके बाहर आ गया है। नहीं नहीं नहीं, क्या रॉयल्टी वाला जोक बोले? इसमें कहाँ रॉयल्टी आई? रॉयल्टी यार, हाथी तो राजा के पास ही होगा ना, आप जैसे के पास तो साइकिल भी नहीं होता है, रॉयल्टी होएगा कर रहे हैं। एक और जोक है, एक और जोक, ठीक है, एक और जोक बिना रॉयल्टी वाला देते हैं। ये वाला भी बहुत फनी है। पॉपकॉर्न है, उसको तवे पे रखते तो उछलता क्यों है? क्यों? क्योंकि खुद कभी बैठ के देख लीजिए यार, पता चल जाए। लीजिए, देखिए देखिए, ये हंस रही है, पिछले जन्म में भी ऐसा ही हंसती थी, यही है हमारी रानी। बच्चा उनको अभी कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है तेरी ना मुलाकात चांदनी रात में होगी। ठीक है यार, चांदनी रात की हमें इंतजार रहेगा, अभी के लिए हम चलते हैं, लेकिन ऑन द चांदनी नाइट आई विल बी बैक। ये है बच्चा का वादा। बट आई लव योर जोक्स। अरे थैंक यू वेरी मच, आई विल बी बैक। याद कीजिएगा हमें बहुत ज्यादा, आएगा बच्चा, ये है वादा। अच्छा सुशांत, कृति, आपके फैंस जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ फिल्म के बारे में पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपके मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी ओह, ब्लैक एंड व्हाइट मोहतरमा। हेलो सर, हाय एवरीबॉडी, सुशांत सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लाइक जेन्युइनली, आफ्टर आई हैव सीन योर मूवी एमएस धोनी, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई रियली रियली अडोर यू, यू आर वेरी हैंडसम सर। सर, मैंने ऐसा सुना भी है कि आपको चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम बहुत पसंद है, सो मुझे आपको ये था। मुझे आपको पटाना है, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ आपको ऑफर करने? तो सर एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, सर मुझे ना जैसे आपने मैम के साथ एक पोस्टर पे जो आपका रब्ते का पोस्टर है, मुझे वैसा एक पिक्चर चाहिए आपके साथ, बेसिकली वो पीठ पे चढ़ाना पड़ेगा। मैं माइक पकड़ लेती हूँ। अच्छा पीठ पे उठाएंगे आपको, जिंदगी तुम्हारी, हम तो ऐसे ही आए, चॉकलेट लेके आ रही है हमारे तो ऐसा ऐसे उठा लो, शूट शुरू होता ना प्रॉब्लम बड़ी आती है, सर जनरेटर ऑफ हो गया है, सर बारिश हो रही है, 5 मिनट लगेंगे, आया आदमी आधे घंटे के लिए, चॉकलेट और पीठ पे उठाओ, हमें ईट ही मार दो हमारे। अरे कोई आई थिंक नया पोस्टर करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, सर चॉकलेट खा लेंगे ना, खाना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपके लिए चॉकलेट, हमारे माई बुटी के बाल ही ले आती है। सर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप, चलो ये तो बहाने हो गए। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, एक वो संतरे वाली टॉफी ले आती नागपुर से। और कोई हमारे दोस्त? हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हाय। सर सुशांत सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैंने कहाँ से सुना है सर कि आप फ्री वेट वर्कआउट करते हो सर, तो सर मैं कहाँ से भी पतला नहीं हो सकता, मतलब सर मैंने बहुत सारा किया है, मतलब मैंने सर वेट वाला भी यूज मतलब किया है, मतलब वो तो और विदाउट वेट भी किया है, तो सर पेट ही बता रहा है ऐसे खुटन खुटन करके बाहर आ रहा है। तो सर आप कुछ प्रीफर कर सके मुझे कि मेरा सिक्स पैक्स आ सके सर? सुपरमैन पुशअप्स मारो स्टेज पे करना है। चल ना, चल स्टेज पे, चल आ जाओ करके देख लो,
प्रिफर कर सकते आपका पेट आपसे दो महीने बड़ा लगता है वैसे डबल क्लैप पुशअप कर दे ठीक है हाँ ओके ओके एक मिनट हाँ पर देख लो करो आ जाओ आप भी क्लैप करना क्लैप मेरा ये थोड़ा अलग टाइप का पुशअप था ओ गुरु जो हिलाने वाली चीज वो हिलाई नहीं तूने तुम्हारा ना तुम पुशअप कर नहीं रहे थे तुम्हारा पुशअप लीक हो रहा है ऐसे पूरा एक बार और ट्राई करते हैं चलो कोई क्लैप क्लैप मत मारना नॉर्मल अभी देखना ये मेरा ऊपर ही रहेगा ठीक है अच्छा एक ट्राई और अकेले अकेले ट्राई कर लो आप चलो कुछ नहीं हो सकता कुछ तुम जल्द बताओ गोल्डी को एक फोन दो यार गिफ्ट अच्छा गोल्डी आ मुझे भी दे दे पुशअप मैं मार रहा था ये मोबाइल है इसमें सिम कार्ड डालना और किसी इंस्ट्रक्टर को फोन करना उसको बोलना मैं करता हूँ होता नहीं है क्या रे मेरे बड़ा ऐसे वो सुंडी टाइप नहीं होता सीधा ऐसे वाला भी नहीं ऐसे वाला हो रहा थैंक यू गोल्डी ओके और कोई हमारे दोस्त जो सुशांत से कृति से बात करना चाहते हैं जी हेलो कपिल हेलो सिद्धू सर मैं रितेश बियानी मैडम मैंने सुना आप सीटी काफी अच्छा मारते हो और आप बचपन से ही सीख लिए हो सीटी मारना नहीं बचपन से तो नहीं सीखी हूं मैं बट अच्छा मतलब ठीक ठाक मार लेती हूं हां काफी जोर से अभी मुझे ऐसी वाली आती नहीं है मैं क्यों सीटी सीखनी है काफी फायदा है सीटी मारने की बॉम्बे सिटी में तो सीटी मार के रिक्शा रुक जाता है टैक्सी रुक जाती है अच्छा इसलिए सीखनी है आपको और एक साउंड होती है बॉम्बे में मैं नहीं कर पाती हूँ संतरे राज मैं पूरे एपिसोड में मुझे बेस्ट चीज लगी है मैं एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से एक एक डायलॉग सुना चाहता हूँ फिल्म का ही कोई रोमांटिक सीन या डायलॉग कुछ भी चलेगा रोमांटिक कम फनी सीन है तो वो कर देते हैं प्लीज ओके खड़े हो बैठ के खड़े हो कैसे आपका दिल क्या है एक बात ऑनेस्टली बोलूं मैं ना एक बहुत अच्छे घर का ना शरीफ लौंडा हूँ लेकिन मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे एकदम वो अश्लील ख्याल आते हैं यू नो जैसे सायरा हंटर वाली शिव टार्जन और क्योंकि मैं एक अच्छे घर का शरीफ लौंडा हूँ तो मुझे ये सब सोचना अलाउड भी नहीं है यार मैं क्या करूँ ऑनेस्टली बोलूं बोल मुझे भी ना एग्जैक्टली सेम टाइप के ख्याल आते हैं स्वेयर रियली एक सेकंड में पता चल गया कितने अच्छे घर का कितना शरीफ लड़का है ठग अरे मैंने कहा आपने तो बड़ी मजेदार चीज पूछ ली है शुक्रिया थैंक यू सो मच Thank you.
राजकुमार, हमारी राजकुमारी, तुमसे मिलने के लिए हूँ मैं बेकरार। हम भी करना चाहते हैं आपका दीदार, कहीं दिल ना बैठ जाए। हम अपना सहरा हटा रहे हैं, मैं अपना घूंघट उठा रही हूँ। ये तो चीटिंग है यार, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकला पहाड़। अरे लड़की रहे, तुम तो पिछले जन्म के प्यार हो ना दोनों। अरे काय का प्यार, कैसा प्यार, हमको राजकुमारी चाहिए थी, बीमारी कहाँ से देती हमको। मैं शहजादा ढूंढ रही थी, ये तो बहुत ज्यादा निकला। क्या बोले? हाँ तो देखो अपने आप को, आदमी हो या दिल्ली, चारों तरफ से फैल रहे हो, तुम्हारा नोएडा बाहर निकल रहा है, चुप करो। हमारे राज्य की सीमाओं पर बुरी नजर मत डालिए आप, बस बहुत हो गया, अब फैसले की गड्डी आ गई है। एक मिनट, गड्डी नहीं, घड़ी होता है, घड़ी। अरे हमारी घड़ी चोरी हो गई है यार, इसलिए फैसले की गड्डी आई है, ये लीजिए गड्डी। ये कहते रहते ना कि आप ऑटो वालों के साथ पत्ते खेलती है, अब जाइए आप पत्ते खेलिए, जाइए। मैं नहीं खेलने वाली पत्ते। अरे तो कुछ बोलते क्यों नहीं, ये क्या गेट आउट। अरे पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया आप। सुशांत, कृति, एक सेल्फी आप लोगों के साथ हो जाए। कम अच्छा सरला, अरे थैंक यू सो मच सुशांत, कृति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर राब्ता। और राब्ता जो है वो रिलीज हो चुकी है, आप जाइए अपने परिवार के साथ देखिए, बहुत मजा आएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.